आपने बिटकॉइन, क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन जैसे नाम तो सुने ही होंगे। ये आखिर है क्या? क्या यह आने वाले समय की करेंसी है जो पूरी दुनिया में कॉमन हो जाएगी? खास करके भारत में इसका क्या भविष्य होने वाला है? भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन पर बैन लगाने की सोच रही है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है कि क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन को बंद करके भारत में ही एक भारत का डिजिटल रुपया बनाया जाए। भारत में क्रिप्टोकरेंसी और बिटकॉइन इनलीगल है। सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल कर दिया है। भारत में बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। भारत सरकार और RBI के बीच हुई बातचीत से पता चलता है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सख्त कदम अपनाने वाला है। कभी कभी इस बात पर भी विचार होता है कि भारत में खुद की एक डिजिटल करेंसी हो। एक अनुमान के अनुसार भारत में 2 करोड़ लोग डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने के लिए उस पर रोक लगाने की इच्छा जाहिर की है, जबकि सरकार ब्लॉकचेन की तकनीक को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए यदि सरकार रेवेन्यूज के ब्लॉकचेन लेनदेन को बंद करना चाहती है तो सरकार को क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के बारे में समझना होगा। क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन से एक गंभीर समस्या यह है कि क्रिप्टो करेंसी को लेनदेन कर रहे व्यक्तियों की पहचान गुप्त रहती है, जिसके कारण यह अपराधियों के लिए एक प्रकार का आसरा बन गया है, जिससे वह सभी प्रकार के जोखिम भरी गतिविधियों को आसानी से करने में सक्षम हो पाएंगे। एक बहुत मशहूर क्रिप्टो करेंसी वैलेट इस्लामिक स्टेट से संबंधित थी। हो सकता है कि भविष्य में ऐसे गैर कानूनी काम और बढ़ जाएं, जैसे कि हवाला का लेन देन। आतंकवादी डिजिटल करेंसी को गुप्त नाम से खरीद सकते हैं। यही कारण है कि भारत में जिस वजह से बिटकॉइन का भविष्य नहीं है। पूरी दुनिया की सरकारें अभी वर्चुअल करेंसी को समझने और उनके नियमों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कुछ देशों में बिटकॉइन और क्रिप्टो पर रोक लगा दी गई है, जबकि कई दूसरे देशों में लोगों को स्पष्ट रूप से इसकी उपयोग की अनुमति दे दी गई है। कुछ लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के लिए भविष्य उज्ज्वल है। हालांकि एंटरप्रेन्योर भारत में अभी भी डिजिटल करेंसी में निवेश करने से डर रहे हैं। आजकल डोज क्वाइन काफी चर्चा में, जो क्रिप्टो करेंसी का ही एक हिस्सा है। इलॉन मस्क जैसे बड़े चेहरे भी अब डिजिटल करेंसी में निवेश कर रहे हैं, जिससे कि कई देशों की सरकारें सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि क्रिप्टो को लेकर अब कोई वो कानून बनाए। हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में लोगों को लाभ ना पहुंचाए, लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक एक बहुत बड़े देश में बहुत बड़े पैमाने पर भारतीयों को लाभ पहुंचा सकती है। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक लोग इसे समझ रहे हैं और हम क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर आशाजनक हैं, लेकिन आने वाला समय क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह टॉपिक समझ आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ बिटकॉइन के बारे में या बिटकॉइन और भारत का फ्यूचर के बारे में जरूर बताएं।